उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे कई जिलों का दौरा, बाराबंकी और सीतापुर में रहेंगे मौजूद, सीएम देंगे अलग अलग जिलों को सौगात। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा आज, कप्तान सिंह महाविद्यालय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, पूर्व एमएलए कप्तान सिंह की मूर्ति का करेंगे अनावरण। पंजाब में तेज हुई सियासी उठापटक, पंजाब में कुछ और मंत्री छोड़ सकते हैं कुर्सी, सीएम चन्नी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक। केजरीवाल का आज पंजाब दौरा, व्यापारी और उद्योगपतियों से करेंगे मुलाकात, चुनावों को लेकर कर सकते हैं कई बड़ा ऐलान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे से कांग्रेस के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक सिद्धू के इस्तीफे से कांग्रेस नेतृत्व नाराज है। सिद्धू को लेकर पार्टी कड़ा रुख अपना सकती है और इस्तीफे के बाद से पार्टी नेतृत्व ने सिद्धू से अब तक बात नहीं की है, हालांकि अब तक इनका इस्तीफा भी मंजूर नहीं किया गया है। ऐसे में पार्टी सिद्धू को समय देना चाहती है, लेकिन अगर वो नहीं माने तो सख्त कदम उठाया जा सकता है। आज की कैबिनेट बैठक में जो मंत्री नहीं पहुंचेंगे उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। पंजाब में कांग्रेस गुरु के खेल में उलझ गई है और ऐसे में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। कल रात भी सिद्धू के घर पर एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें चन्नी सरकार के कई मंत्री और विधायक वहां पर शामिल हुए थे। ऐसे में सिद्धू के समर्थन में कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना समेत अब तक सरकार और संगठन से 4 लोग इस्तीफा दे चुके हैं। अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की 5 अक्टूबर को पगंबरी मठ में मौत हो गई थी, जिसके बाद से निमंत्रण के लिए कार्ड छपने के लिए दिए गए थे। ऐसे में देश भर से 8000 से ज्यादा लोगों को इसमें बुलाया जाएगा। बता दें इसमें संत महात्माओं से लेकर तमाम राजनेता और ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी संस्कार में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में बता दें उधर निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वरों और दूसरे पदाधिकारियों ने अब महंत नरेंद्र गिरी की वसीयतनामे के आधार पर बलवीर गिरी को ही उनका उत्तराधिकारी घोषित किए जाने का मन बना लिया है। अनौपचारिक बैठक में यह तय भी कर लिया गया है। हालांकि अखाड़े के संतों के पास महंत नरेंद्र गिरी की वसीयत को ठुकराने या चुनौती देने का कोई बड़ा अधिकार नहीं था। महंत नरेंद्र गिरी की दिन बता दें बलवीर गिरी के नाम का औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा, तो अब उत्तराधिकारी नियुक्त करने की चर्चा यहाँ पर चल रही है। नरेंद्र गिरी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा इसका नाम तय कर लिया गया है, हालांकि औपचारिक तौर पर इसका ऐलान अभी नहीं किया गया है। बता दें बलवीर गिरी के नाम का औपचारिक ऐलान कुछ दिन में हो सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ लखनऊ से हमारी ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रूबी, जिस तरह से महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी का नाम तो तय कर लिया गया है, लेकिन क्या बलवीर गिरी का नाम ही तय हुआ है और कब, अगर ये नाम तय हो गया है तो कब इसका ऐलान किया जाएगा? पारू देखिए, बता दूं सबसे पहले कि पहले तमाम अटकलें थी कि उत्तराधिकारी कौन होगा, लेकिन अब सारे लोगों के जो गट के लोग हैं उनके सारे रजामंदी के साथ अब 5 अक्टूबर को सोक्षी का दिन होगा। उसमें पाटवाड़ी मठ में जितने भी लोग हैं वो सोक्षी के दिन यहाँ पे इकट्ठा होंगे और इसी दिन ही ऐलान किया जाएगा। यानी कि अब जो नाम निकल के आ रहे थे उनके सारे नामों में से अब जो एक नाम निकल के आया है उसमें उन्हीं का नाम बलवीर गिरी है, उनका नाम अब मुहर लग चुकी है और नियमितता जो कार्ड है वो भी छपने के लिए तैयार हो चुके हैं और लोगों में बढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। इसके साथ ही साथ देश भर से लगभग 8000 से ज्यादा लोगों को बुलाया जाएगा और जो लोगों में शामिल होंगे उनके संत होंगे, महात्मा होंगे, तमाम राजनेता होंगे, ब्यूरोक्रेट से भी लोग शामिल होंगे। सबसे मेन जो चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे उनमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो खुद पहुंचेंगे। यानी कि अब जो अटकलें थी उनमें विराम लग चुका है, बलवीर गिरी जो है वो उत्तराधिकारी के नाम पे उनके लिए बिल्कुल रूबी नाम तो तय कर लिया गया है बलवीर गिरी का, लेकिन क्या सभी साधु संत इस नाम से सहमत है, क्या सभी की रजामंदी है?
देखिए पारुल, पहले जो अटकलें थी कि निरंजनी अखाड़े के पंच परमेश्वर जो होते हैं वो एक दूसरे के नाम को लेकर, यानी कि जो पदकारी थे उनमें महंत गिरी की जो वसीयत नामे के आधार पर बलवीर गिरी को ही उत्तराधिकारी घोषित किए जाने को लेकर बना लिया गया था जी। लेकिन बैठक में जो यहाँ पे बैठक में शामिल हुए थे, हालांकि अखाड़े के जितने भी संत थे उसमें महंत नरेंद्र गिरी के वसीयत को ठुकराने या चुनौती देने को कोई बड़ा आधार नहीं मानते थे, लेकिन अब जो नाम है वो लगभग तय कर दिया गया है। पहले काफी टाइम तक इस पे विचार चल रहा था कि ये नाम रखा जाए या ना रखा जाए, या फिर अब इसके अलावा और कौन हो सकता है उत्तराधिकारी, लेकिन तमाम पशुपेश होने के बाद भी अब बलवीर गिरी के ही नाम को लेकर आगे बढ़ा दिया गया है। और नरेंद्र गिरी जो है शोक्षी के दिन बलवीर गिरी के नाम को औपचारिक तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा, यानी कि 5 अक्टूबर को है वो मंच में बैठक हो चुकी है और अब 5 अक्टूबर को ऐलान करा जाएगा कि बलवीर गिरी ही होगी उत्तराधिकारी। यानी कि रूबी साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि सभी की रजामंदी है, सभी साधु संत जो है बलवीर गिरी के नाम से सहमत हैं और उसके बाद ही इस नाम का फैसला किया गया है, या फिर बैठक में अपने आप ही नाम चुन लिया गया, किसी से इसके लिए जो है वो नहीं पूछा गया। पर सबसे पहले तो ये बता दूं कि अगर नाम में मोहर नहीं लगती, यानी कि अगर हम खास तौर से बात कर रहे हैं जब आखिरी इच्छा थी, यानी कि नरेंद्र गिरी की जब आखिरी इच्छा थी कि उनके जो उत्तराधिकारी हो उनकी ही मन से ही अखाड़े से निकलते हुए हो, तो कहीं ना कहीं पहले से क्या से लगा लिया गया था कि इन्हीं में से किसी एक का नाम निकलकर सामने आएगा। हालांकि इस बारे में पहले ऐलान नहीं किया जा रहा था, गद्दी खाली पड़ी हुई है, लेकिन बहुत जल्द इस चीज को लेकर फैसला लेना जरूरी हो चुका था। खासतौर से मठ के अंदर में गोपनीय एक बैठक हुई थी, गोपनीय बैठक के बाद ये नाम कैद, इस नाम को लेकर ही बलवीर गिरी के नाम को लेकर ही काफी विचार विमर्श हुआ था। महात्मा संत जितने भी अखाड़े के सदस्य थे उन सभी लोगों ने बैठ के एक अचानक बैठक करी थी और उस बैठक में इस नाम को लेकर काफी देर तक अंजाम नहीं निकल पा रहा था कि आखिर नाम ये तय किया जाए या ना तय किया जाए। लेकिन जब नरेंद्र गिरी की इच्छा को देखते हुए कहा गया कि इस नाम को मोहर लगा दी जाए, यानी कि अब जो अटकले थी, जो पशुपेश में लोग फंसे हुए थे इस चीज को लेके कि ये नाम निकले या ना निकले या उत्तराधिकारी के नाम पे इसे लिया जाए या ना लिया जाए, लेकिन अब सब चीजों को फिर लेके विराम लगा दिया गया है और 5 अक्टूबर के दिन, यानी कि अब कुछ ही दिन बाकी है, उसके बाद इनका नाम घोषित कर दिया जाएगा। चलिए रूबी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी के तौर पर बलवीर गिरी का नाम जो है वो पूरी तरह से इसका फैसला कर लिया गया है और नाम का औपचारिक ऐलान अब 5 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। कोरोना के मोर्चे पर एक अच्छी खबर आई है। दरअसल दूसरी लहर के प्रकोप के बाद देश में लगातार दूसरे दिन कोरोना के 20,000 से कम केस सामने आए हैं। इनमें से दक्षिण राज्य केरल से ही सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 18,870 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 300 से ज्यादा कोरोना संक्रमितों की जान चली गई है। वहीं 24 घंटे में 2,148 लोग कोरोना से ठीक भी, यानी कि 2,272 एक्टिव केस कम हो चुके हैं। इससे पहले मंगलवार की बात की जाए तो मंगलवार को कोरोना के 18,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे और 170 से ज्यादा लोगों की जान गई थी, जबकि 200 दिनों बाद मंगलवार को कोरोना के नए मामलों की संख्या 20,000 से कम रही। ऐसे में केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 11,196 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 40,52,810 हो गई और इसके अलावा 149 मरीजों की मौत के साथ ही मृतकों की तादाद 24,810 पर पहुंच गई है। वहीं सोमवार से 18,800 से ज्यादा लोगों के संक्रमण से उभरने के बाद ठीक हो चुके लोगों की कुल संख्या 44 लाख से ज्यादा हो चुकी है। ऐसे में केरल में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,49,356 है। तो बीते 24 घंटे में लगभग 96,400 से ज्यादा लोगों की कोविड जांच की गई है, जबकि 14 जिलों में
से बता दें सबसे ज्यादा 1300 से ज्यादा मामले सामने आए हैं और इसके बाद कोल्लम में 1000 मामले सामने आए, जबकि त्रिशूर में 1000 से ज्यादा मामले सामने आए, वहीं एर्नाकुलम में भी 1000 से ज्यादा मामले सामने आए, मलप्पुरम में भी 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, जबकि कोझिकोड में मामले 1000 से कम 908 ही संक्रमित लोग पाए गए हैं। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में जंगल में फांसी के फंदे से लटका युवक का शव मिला। वहीं शव मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने बताया कि युवक रिश्तेदारी में आया था, वहीं युवक की पहचान नहीं हो सकी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। फरुखाबाद के मऊ दरवाजा थाना क्षेत्र में शेर मोहम्मद अपने दोस्तों दीपक, अंकित और अतुल के साथ शमशाबाद थाना क्षेत्र में से चिंतामणि तालाब में नहाने के लिए गया था। नहाते नहाते शेर मोहम्मद गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा, जिस पर साथ में नहा रहे दोस्तों ने शेर मोहम्मद को बचाने का प्रयास किया, लेकिन शरीर ने उनका साथ नहीं दिया, पर किसी तरह उनके दोस्तों ने उनको बदहवास में अवस्था में बाहर तालाब से निकाल दिया। वहीं कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए 250 से ज्यादा यात्रियों को ई पास मिलने के बाद भी स्लॉट बुक हो जाने की वजह से बद्रीनाथ जाने की अनुमति नहीं मिली, उन्हें पांडुकेश्वर में ही रोक लिया गया। यात्रियों ने यात्रा व्यवस्था में ई पास जारी होने और यात्रा पर आ रहे यात्रियों की वास्तविक स्थितियों पर कोई व्यवस्था न होने पर आक्रोश जताया। बता दें रोके गए यात्रियों का कहना है कि ऋषिकेश से यहाँ तक आ गए, लेकिन रास्ते में हमें कोरोना जाँच के पत्र के या वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन अब यहां हमें रोका जा रहा है। और 8:30 बजे से मैं इनको मतलब लिस्ट वगैरह बता दी, इन्होंने को मैंने कहा दो दोस्त सबके लगे, मैं हम 25 आदमी राजस्थान से आए चित्तौड़गढ़ राजस्थान से, और सभी बुजुर्ग आदमी, सब 60 और 65 साल की उम्र के आदमी, टोटल 65 साल के ऊपर के आदमी, 60 और 65 की उम्र के आदमी है, इससे कोई बच्चा नहीं है या कोई बूढ़ा, मतलब कोई जवान नहीं है। हमें मालूम नहीं पड़ रही, हम पढ़े लिखे नहीं है, इसमें ये जो हमको जरो भेज दिया और वहाँ से कह दिया वहाँ पूरा एजीएम साहब बैठे हुए हैं, सारा काम कर देंगे वो। अब हम जैसे मतलब क्या गंगोत्री जाके आए हूँ मैं, और गंगोत्री में वहाँ जाते ही बना दिया बेचारों। वहीं बस्ती में एक बार फिर से दलितों को अपमानित करने का मामला सामने आया है। दरअसल पंचायत के दबंगों ने प्रेम प्रसंग के में पकड़े गए नाबालिग दलित बच्चों का विवाह कराकर दोनों बच्चों के मुंह पर कालिक लगाकर और चप्पलों की माला पहनाकर गांव से निकाल दिया। पहले तो पंचायत के दबंगों ने बच्चों के मुंह पर कालिक लगाया और उसके बाद दोनों बच्चों के गले में चप्पलों की माला पहनाकर गाँव में घुमाया। वहीं किसी ने इस पूरे मामले का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वहीं ये मामला सीओ खरैया शेषमणि उपाध्याय के संज्ञान में आते ही उन्होंने दबंगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। आज दिनांक 28 सितंबर 2021 को गौर थाना अंतर्गत ग्राम सिंघही में एक अनुसूचित जाति की बालिका, जिसका अपनी ही गांव के अपनी ही बिरादरी अनुसूचित जाति के लड़के से प्रेम संबंध था, जिसके कारण गांव वालों ने इस घटना को देखा और लड़का और लड़की दोनों को कालिख पोत कर और उनके गले में जूते और चप्पलों की माला डाल के और गांव से बाहर सड़क के किनारे घुमाया। घटना का संज्ञान होते ही वादिनी की तहरीर पर थाना गौर में 13 नामजद और कई अज्ञात के खिलाफ सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मौके पर तत्काल गौर पुलिस पहुंची और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं भी मौके पर मौजूद हूं, बाकी शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम
गठित कर दी गई है जो कि लगातार दबिश दे रही है और शीघ्र ही बाकी जो भी इसमें दोषी हैं आरोपीगण सभी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में किसान यूपी और केंद्र सरकार की योजनाओं से वंचित नजर आ रहे हैं। दरअसल केंद्र और प्रदेश की मोदी और योगी सरकार में किसानों के लिए चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है, चाहे वो किसान सम्मान निधि योजना हो या किसान बीमा योजना या किसान क्रेडिट कार्ड हो। हाल ही में गन्ना भुगतान में दामों में जो बढ़ोतरी सरकार की तरफ से की गई उसमें भी किसानों को कोई खासा असर देखने को नहीं मिल रहा है। किसानों का साफ तौर से कहना है कि पिछली बार गन्ना कीमतों में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई जिसमें भी किसान को वो मूल्य नहीं मिल पाया है। किसानों का कहना है कि अब जो दामों में बढ़ोतरी की गई है अगर वो मिलती है तो तब आके देखा जाएगा। फिलहाल किसानों को सरकार की तरफ से चलाई जा रही किसी भी योजना का धरातल पर लाभ नहीं मिलता नजर आ रहा है। तो बता दें पीलीभीत में सरकार की योजनाओं का किसानों को लाभ नहीं मिल रहा है जिससे किसान परेशान है और ऐसे में योजना का धरातल पर कहीं भी लाभ मिलता हुआ किसानों का नहीं नजर आ रहा है। किसानों का कहना है अब जो दामों में बढ़ोतरी की गई है अगर वो मिलती है तब आगे देखा जाएगा। फिलहाल किसानों को लेकिन सरकार की तरफ से जो भी तमाम योजनाएं धरातल पर चलाई जा रही है किसानों के लिए उनका लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा है। हमारे लिए केवल वही लाभ मिला है जो मोदी जी ने दिया है वो किसान निधि वाला उसी का लाभ मिला। हाँ, किसान सम्मान निधि का वही लाभ मिला है हमारे लिए, बाकी और कोई लाभ नहीं मिला है हमारे लिए। अच्छा, किसान बीमा योजना जो चली है उसका लाभ आपको मिला क्या? नहीं सर, हमें नहीं मिला। नहीं मिला। और गन्ना कीमतों में जो अभी हाल फिलहाल में जो बढ़ोतरी हुई है 25-50 रुपये, क्या आप सर ये मिले तब बताएंगे, अब इसके बारे में क्या बताएं। बढ़ा है लेकिन ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने बढ़ाया, हम तो आभारी हैं कि बढ़ के मिलना चाहिए तब अच्छा ही रहेगा। ठीक है सर, इससे पहले 10 रुपए बढ़े थे तो वो नहीं मिले सर। नहीं नहीं मिले, जो पुराना पेमेंट था वही मिला हमको, जो पुराना पेमेंट चला आ रहा था। हाँ, वही मिला। बढ़ के कुछ ना कुछ नहीं मिला। तो अब जिस तरीके जो बढ़ोतरी की गई है आगे क्या लग रहा है आपको मिलेगा? अब सर ये मिले तब बताएं, अब अभी तो हमें जब पिछली बार नहीं मिला तो इस बार हम कैसे बता दें कि मिल सकता है हमारे लिए। अभी सरकार की तरफ से लाभ नहीं मिल पा रहा किसी भी योजना का, किसी भी योजना का लाभ। योजनाएं शुरू की हैं किसानों के? नहीं, अभी किसी का नहीं योजना। अच्छा, जो किसान बीमा योजना जो चल रही है उनका उस योजना का लाभ आपको मिला? जो चल रही है पिछली चली आ रही है वो तो है, बाकी और नहीं वाली अभी जो नई चालू हुई है उनमें कुछ नहीं कुछ नहीं हुआ अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, गन्ना कीमतों में अभी जो बढ़ोतरी की गई है उसमें कुछ आय में बढ़ोतरी होगी आपकी? और बढ़ोतरी होगी, बढ़ोतरी कम है, वृद्धि में कम करी है। जो गन्ना कीमतों जो अभी बढ़ोतरी की गई है 25-50 रुपये, क्या उससे आय में आपकी बढ़ोतरी होगी आगे चलती? बढ़ोतरी तो होगी, मतलब जो बढ़ोतरी इन्होंने की है उससे संतुष्ट नहीं है। कैसा संतुष्ट नहीं है? हाँ, मतलब अभी संतुष्टि नहीं है, अब खर्चे ज़्यादा आने और अपना गन्ने का रेट मतलब कम है। भाई साहब जानना चाहेंगे जो किसानों के लिए जो तमाम योजनाएं केंद्र सरकार योगी सरकार जो लगातार चालू कर रही है क्या उन योजनाओं का लाभ अब तक मिला? अब तक योजनाओं का नहीं मिला, नहीं मिल पाया। अच्छा, दूसरा मैं सवाल आपसे ये है किसान बीमा योजना जो चल रही है क्या उस योजना का लाभ आप तक पहुंचा? नहीं नहीं, कृषि योजना बीमा योजना में कोई लाभ नहीं, कोई नहीं पहुंचा इन 5 सालों में। केंद्र सरकार चल रही है योगी सरकार में कोई लाभ अभी तक नहीं पहुंचा, कोई योजना नहीं लाभ मिला। और जो गन्ना कीमतों में जो अभी जो हाल फिलहाल में जो बढ़ोतरी हुई क्या उससे आने वाले समय में आय में बढ़ोतरी होगी? आय में बढ़ोतरी जब हमें बढ़ोतरी मिलेगी तभी वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी एक बार फिर से चुनाव में जीत के लिए तमाम कोशिश कर रही है, जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश भर का तूफानी दौरा कर रहे हैं। सीएम योगी अलग अलग जिलों में जाकर कई परियोजनाओं की जनता को सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम योगी यूपी के 2 और जिलों का दौरा करने वाले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज बाराबंकी और सीतापुर का दौरा करेंगे। सीएम योगी इन दोनों ही जिलों के लोगों को करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी सबसे पहले बाराबंकी का दौरा करेंगे। योगी बाराबंकी के रामनगर और कुर्सी विधानसभा में 148 करोड़ से ज्यादा की 186 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा 340 करोड़ की खाद्य प्रसंस्करण उत्पादन इकाई का शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही वो लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी बांटेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे राजकीय इंटर कॉलेज में उनकी एक जनसभा का भी कार्यक्रम रखा गया है।
उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के चलते तमाम राजनीतिक पार्टियां इस समय उत्तर प्रदेश के कई जिलों का दौरा कर रही है और इसी के तहत समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव भी छिबरामऊ स्थित कप्तान सिंह महाविद्यालय के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही अखिलेश यादव पूर्व एमएलए कप्तान सिंह महाविद्यालय में मूर्ति की स्थापना और मूर्ति का अनावरण भी करेंगे और तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात वो करेंगे। तो बता दें अखिलेश यादव आज कन्नौज के दौरे पर हैं जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। पूर्व एमएलए कप्तान सिंह की मूर्ति का अनावरण भी अखिलेश यादव यहां पर करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना घर घर शौचालय के साथ साथ हर गांव में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराने रहा है, जिसमें ये योजना सफल रही। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के सभी गांवों में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया और अब उसको समूह की महिलाओं के जरिए संचालित कराया जा रहा है, जिससे उनको एक रोजगार का जरिया भी मिल रहा है। इस मामले की जमीनी हकीकत की जानकारी के लिए हमारे अमेठी से संवाददाता ने भटेवा ब्लॉक के कडेर गाँव में सामुदायिक शौचालय की स्थिति का जायजा लिया तो वहां सामुदायिक शौचालय नियमित रूप से चलता दिखा। वहीं जब उस गांव की महिलाओं से बात की गई तो उन्होंने बताया कि पहले हम शौच के लिए ठंडी गर्मी बरसात चाहे दिन हो या रात हो बाहर खेतों में जाते थे और बागों में जाना पड़ता था, लेकिन अब हमारे गाँव में सामुदायिक शौचालय बनने से हम लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। बता दें आपको अमेठी में सामुदायिक शौचालय का निर्माण करा दिया गया है और ऐसे में अब लोगों को लाभ जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है और आपको बता दें कि वहां के लोग भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में कडेर गांव में सामुदायिक शौचालय की स्थिति काफी अच्छी है और वहां पर नियमित रूप से शौचालय बना हुआ है और तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से शौचालय का अच्छी तरह से निर्माण कराया गया है और लोगों को काफ़ी फायदा हो रहा है। वहीं महिलाओं का कहना है कि पहले हमें बाहर जाना पड़ता था, लेकिन अब सामुदायिक शौचालय बनने से हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। हरदोई के बिलग्राम तहसील में कांग्रेसी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और प्रतापगढ़ में पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी और नेता सदन विधायिका आराधना मिश्रा पर बीजेपी नेता संगम लाल गुप्ता सांसद और उनके अनुयायियों की तरफ से लिखाए गए मुकदमे को लेकर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन में कहा कि द्वेषवश फर्जी आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, सरकारी योजना होने की वजह से सरकारी वीडियो भी बनाए गए थे, इन वीडियो को देखने से रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट झूठी और फर्जी साबित हो रही है। इस दौरान कांग्रेस विधानसभा संयोजक लाला राम शुक्ला एडवोकेट ने बताया कि जो भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं वो सभी फर्जी हैं और इस दौरान प्रेम कुमार अग्निहोत्री एडवोकेट, डीके द्विवेदी एडवोकेट, अखिलेश चंद्र पांडे, विजेंद्र कुमार प्रजापति सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी पूर्व सांसद और नेता सदन आराधना मिश्रा पर भाजपाइयों ने झूठे और फर्जी केस कायम करवा दिए जो कि गलत है, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।